नमक पारे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये बिल्कुल काजू वाला शेप में बिल्कुल ही अलग तरीके का नमक पारे है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। और होली का त्योहार आने वाला है, तो आप इस तरह से बनाकर स्टोर करके पहले से ही रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ना क्या किया है कि गेहूं का आटा लिया है, तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे और सूजी मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप के लगभग ले लिया है गेहूं का आटा ले लिया है, आप मैदा से भी बना सकते हैं। तो मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है और नुकसान भी नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया है, अब इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें घी या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको डाल दें। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ इसमें रिफाइंड तेल। तो ये देखिए हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने लिया 1 चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके डाल देंगे बहुत ही। तो यहाँ पे हमने लिया कसूरी मेथी, इसको भी हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। वैसे तो हमने इसको पहले से ही क्रश करके रखा हुआ है, तो अगर है तो आप इसमें ज़रूर डालें, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। इसमें डाल देते हैं हींग, अगर हींग आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर हींग जो है पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पे ले लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच इसको यूज किया है। और दोस्तों इसमें डाल देंगे मंगरेला, तो हमने अजवाइन भी डाला है और मंगरेला भी डाला है। तो यहाँ पे हमने 1 बड़े चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे मंगरेला डाला है। मुझे ना फ्रेंड्स जो नमक पारे होते हैं उसमें मंगरेला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो आप ज़रूर डालें। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे पहले सारी चीज़ों को। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह से नमक पारे बना के देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ना खाने में आपका इसका टेस्ट जो है बिल्कुल अलग दिखाई देगा। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसमें सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी बारीक वाली लें, अगर मोटी वाली सूजी है ना तो आप उसको क्या करें कि पीस लें हल्का सा, इसके बाद वो बारीक हो जाएगा, तो उसको आप इसमें आटे में मिक्स करके आप नमक पारे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका टाइट सा डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इसकी पहचान यही है फ्रेंड्स कि इस तरह से जब हम बांधेंगे तो देखिए डो अच्छे से बंध रहा है, इसका मतलब जो मोयन हमने इसमें दिया है वो परफेक्ट है, ज़्यादा हमें मोयन देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी बहुत ही खस्ता बनते हैं नमक पारे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके इसका टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो डो तो बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको हम ना 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि जो ना आटा है अच्छे से सेट हो जाए और हमारे नमक पारे जो है बढ़िया बन के तैयार हों। तो ये देखिए फ्रेंड्स आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो थोड़ा सा इसको मसल करके चिकना कर लेंगे। अब इसकी हम ना बड़ी सी लोई बना लेंगे, तो आप चाहें तो इसको 2 भाग कर करके 2 लोई बना सकते हैं, तो मैं बड़े साइज का ही लोई बना ले रही हूँ। तो इसको नीचे रख देती हूँ और इसका हम लोई बना लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा लें, या तो रिफाइंड तेल भी आप लगा सकते हैं बेलते समय। तो ये देखिए इसको हम दबा करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा सा हम इसका रोटी बेल लेंगे।
तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल लगा दिया है, अच्छे से लगा लेते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा इसको मोटा ही बेलना है फ्रेंड, ज्यादा हम पतला नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने बड़ी सी लोई का ये रोटी बेल लिया है बड़ी सी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है, न ज्यादा मोटी है न ज्यादा पतली है, मीडियम साइज की हमने रोटी से 2 गुना मोटा हमने इसको बेलकर तैयार किया है। अब यहाँ पे एक ढक्कन ले लें, कोई भी दवा का या कोई भी शीशी का ढक्कन ले लें, क्योंकि मैं काजू का शेप देने वाली हूँ इसको, तो काजू के शेप में हम आज नमक पारे बनाएंगे। तो इसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें काटना है, एक साइड से इस तरह से निकालते जाएंगे, इस तरह से काजू का शेप आता जाएगा। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से काजू का शेप आता जाएगा। बहुत ही आसान सा नमक पारा है बनाने की, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो सारे नमक पारे जो है ना फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे जो है नमक पारे इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं, और इतना आसान सा है फ्रेंड्स कि आप 5 से 10 मिनट में ढेर सारे नमक पारे जो बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, पर ये भी जो काजू वाला शेप होता है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। अब इसको समेट लेते हैं और इसको लोई बना करके उसी तरह से हम इसको काट लेंगे, या तो आप बिना इसको बेले कैंची की हेल्प से इसको लंबा लंबा शेप दे सकते हैं। तो इसको भी मैंने बेल लिया है, इसको भी काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ढेर सारे हमने काजू वाला नमक पारे बना करके तैयार कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बना है। और देखिए इतना सारा 2 कप गेहूं के आटे में बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अब फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर तेल को हमने गरम कर लिया है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आटा डालकर। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बुलबुला छोड़ रहा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें तेल को ज़्यादा नहीं गरम करना है, नहीं तो जो नमक पारे हैं ना बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें और इसको हमें तलना है। तो इसको निकाल देते हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि नमक पारे को डालते जाएंगे। तो एक बार जितनी कढ़ाई में आ सकता है उतना डाल दें। और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको तलने देते हैं। जब नीचे से थोड़ा सा ये फ्राई हो जाते हैं तो इस तरह से पलटते जाएंगे और इसको अच्छे तरह से कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे नमक पारे अच्छे से कलर चेंज हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं।
और इसी तरह से बाकी नमक पारे हमें तैयार करना है। तो इसको भी निकाल देते हैं। देखिए ये हमारा नमक पारे तैयार है। यहाँ पे सारे नमक पारे काजू वाले रेडी हो गए हैं, तो इसमें मिला देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। वैसे तो ये बहुत ही चटपटा बना हुआ है, पर ऊपर से आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं, काफ़ी खाने में टेस्टी होता है और त्योहारों में तो चटपटा खाने का मन करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही हमने डाला है, थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे कि अच्छे से इसको मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी बढ़िया। घर पे आप हेल्दी चीज़ बना कर तैयार कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि आपको जो है हेल्दी चीज़ बना करके आपके साथ शेयर करूँ, तो ये नमक पारे की रेसिपी जो है काफ़ी हेल्दी है। तो आप ज़रूर इस होली ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।